फ्रेंड्स कैसे हो। अब मैं भुवनेश्वर के एक बहुत ही फेमस स्वीट्स के दुकान में खड़ी हूँ। यहाँ के तरह तरह के स्वीट्स बनते हैं और लोग तो बस इस पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी बनता है ना बिल्कुल जेन्युइन स्वीट्स है। और यहाँ इसकी खासियत है, इसका जो स्वीट्स के जो कारीगर है ज़्यादातर वो बंगाल से आके बनाते हैं। तो यहाँ आपको पूरा बंगाली स्टाइल का जो छेना का स्वीट्स होता है, मीठा होता है, वो यहाँ पर आपको ओरिजिनली मिल जाएगा। हाँ, तो मैं अब खड़ी हूँ। देखिए, यहाँ का बहुत ही खास जो है ये है पोड़ो पिठा। पोड़ो पिठा तो उड़ीसा का चीज़ है, पर इन लोग बहुत अच्छे बनाते हैं। ये सूजी और छेना से बनती है, और उड़ीसा में तो हर कोई जानता है, पर उड़ीसा के बाहर भी ये बहुत फेमस है। और यहाँ के गुलाब जामुन और रसगुल्ला बहुत ही टेस्टी होता है। और देख, ये सिंगाड़ा बनाते हैं। देखिए, ये सिंगाड़े के अंदर ना और नूडल्स के कुछ स्टफिंग भरते हैं, और ये बहुत टेस्टी है। जो आलू नहीं खाते हैं, आलू से परहेज करते हैं मसाले से, वो इसको खा सकते हैं। और यहाँ पर बाकी दही छेना वो तो कॉमन है, हर स्वीट्स के दुकान में यहाँ मिल जाती है ना, तो यहाँ भी मिल जाता है। हाँ, और इसके इस दुकान का नाम है बंगाल स्वीट्स। बंगाल स्वीट्स बहुत ही खास दुकान है, हर मतलब भुवनेश्वर वासी का ये जान है। এটা কোথায় বলো? এটা হচ্ছে নবীন নিবাস। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে ঠাকুর বলে সমস্ত ডাকন্তি। আচ্ছা, কত বছরের পুরনো এটা? অনেক 100 বছর হবে। 100 ইয়ার্স পুরনো? হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনার নাম? শ্রীকান্ত ঘোষ। আচ্ছা, আপনি মিঠাই বানাতে হো? সেলসম্যান। আচ্ছা, সেলসম্যান হো। थैंक यू। यहाँ का मीठा तो बहुत फेमस है, मुझे पता है।